हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा द स्कूल ऑफ आर्ट। शेप्स रिलेटेड वीडियोस हम लोग सीखते हैं, राइट? यस। शुरू करते हैं वाला वीक। इस वाला वीक में हम लोग कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। यस, वी गोइंग टू डू सम एक्रेलिक पेंट्स, राइट? तो शुरू करते हैं वीडियो। एक्रेलिक पेंट्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हम लोग का यस कि कैनवास बोर्ड होना ज़रूरी है। बट आजकल एक्रेलिक कलर्स हो जाता है हर जगह पे, कपड़ा में, दिस दैट, राइट? बट हम लोग कैनवास बोर्ड में नहीं करेंगे, वी आर मेकिंग इट इन द ऑयल शीट, राइट? ऑयल शीट में हम लोग करेंगे। तो ये ऑयल शीट मैंने ले लिया है, जिसको मैंने फुल जो शीट आता है उसको मैंने चार टुकड़ा में डिवाइड कर दिया है। तो एक ही पीस में हम लोग करेंगे आज, ठीक है? और जो जो मटेरियल्स हम लोग को चाहिए, यस, वो है एक्रेलिक कलर्स, ब्रशेस, एंड यस वाटर एंड द पैलेट, राइट? जो चीज़ हम लोग बनाने वाले हैं, राइट, तो आउटलाइन मैंने बना लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर पुटिंग द कलर्स, राइट, इन द राइट एरियाज। तो शुरू करते हैं कलर्स। यू गोइंग टू स्टार्ट विद द स्काई, राइट? तो आसमान में कुछ इस तरह से मैंने कलर, जो फर्स्ट कलर है, मैंने लगा के रखा है। अभी कुछ कुछ एरिया में आपको क्या करना है, यस, थोड़ा थोड़ा आपको डार्क लगाना है, राइट, एंड ऊबर खाबर करके, ऐसे मतलब पॉलिशिंग करके मत दो आप। प्राइमरी कलर मैंने लगा लिया है पहले, बेस कलर जो होता है, हल्का शीट है कैनवास में, थोड़ा सा अलग टाइप का देते हैं हम लोग। सामने जाके आप देख सकते हो इस चीज़ को, एकदम ऊबर खाबर है, राइट, अनइवन शेप्स है, राइट, अनइवन लाइंस है। और आप जितना दूर जाओगे तो अलग लगेगा। मिक्सिंग ऑन और थोड़ा सा ज़रूरी है, राइट, डार्क लाइट को पता अच्छे से मिक्स करना होगा। मैंने कुछ वाइट कलर लगा के रखा है, राइट, डार्क करके, इसको आपको अच्छे से बस मिक्स नहीं करना है, इसको ऐसे ऊबर खबर करके लगाना है, राइट? कुछ इस तरह से। तो आसमान का कलर कुछ ऐसे बनाया मैंने, और थोड़ा सा ब्राइट देना होगा, राइट? अभी मैं पहाड़ी के लिए जो कलर लिया हूँ वो है ग्रीन और वाइट, राइट? तो कुछ इस तरह से मैं लगाने वाला हूँ। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ढक जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में हम कलर से उठा सकते हैं उसको। जस्ट मैंने लगा के रखा है कलर इसमें, द सेम थिंग नीड टू बी डन ओवर हियर ओनली, राइट? और जो अब ये रह गया है, ये हल्का सा पिंक कलर मैंने दिया है। बेस कलर जो है उस सब में मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग में जो जो कलर देना था मैंने उस हिसाब से बस भर के रखा है, कुछ इस तरह से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो बेस कलर था वो आसमानी हो या तो लाइक पहाड़ी हो, सब में मैंने दे दिया है, एकदम फ्लैट करके मैंने दे दिया है। कोई एक्स्ट्रा शेडिंग मैंने नहीं दिया, जस्ट मैंने कलर कूट किया है, जो एरिया में जो जो कलर चाहिए मैंने कूट करके रखा है, जो मतलब बेस कलर है, राइट? एक्रेलिक एक्चुअली पानी बेस्ड कलर होता है, तो उसमें आप पानी दे के कर सकते हो। आप डायरेक्ट कलर भी लगा सकते हो, कोई कोई आर्टिस्ट करते हैं डायरेक्ट कलर विदाउट यूजिंग वाटर एंड ऑल, आपका मर्जी। आप पानी लगा के करने से थोड़ा सा मतलब ढीला हो जाता है, फिर आप आराम से मूड सकते हो एरियाज़ को, और जहाँ भी इच्छा उस हिसाब से कर सकते हो, हल्कापन ला सकते हो, टाइटपन ला सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट कलर जो है मेरा हो गया है, और ड्राइड होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अभी स्टार्ट फॉर नेक्स्ट, राइट, सेकेंड बेस। और एक कोट मैंने दिया है ग्रीन का, थोड़ा सा डार्क मैंने किया है। अभी मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिया है ताकि मैं कलर को अच्छा से दे पाऊँ। अभी आप देख सकते हो ये वाइट कलर का स्पॉट कुछ है, इसको मिक्स करना है अभी आसमान के लिए। तो वाइट कलर दिया हुआ है,
अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू से और एक बार डार्क करना होगा। ऊपर का एरियाज जो है इस समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ा सा वाइट मैंने दिया है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना होगा आपको। एक्स्ट्रा लेयर जो था ग्रीन कलर का वो भी लगा चुका है मैं अभी। यस, जो पार्ट था इसमें और इसमें ट्रीज था राइट, तो ट्री को बनाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो आज का जो वीडियो था हम लोग का, यस वी डिड वन एक्रेलिक कंपोजिशन। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक थ्री सीनरी था यूजिंग एक्रेलिक कलर्स ऑन ऑयल शीट। तो इट्स नाउ टाइम फॉर योर्स, यू जस्ट टेक योर शीट्स एंड डू प्रैक्टिस। थैंक यू।